क्या है? भगवान की प्रेम भरी सेवा और भगवान से प्रेम, ये दो चीज श्रद्धा के साथ जिसके हृदय में उदय हो जाए वो धन है, वो परम धन है। भगवान ये कह रहे हैं मैया सक्त मना पार्थ डिटैच फ्रॉम दिस मेटेरियल वर्ल्ड, आसक्त मत हो इसके ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर मत रो, एरोप्लेन के लिए मत रो, कार के लिए आ जाए तो बरत ले, स्वतः ही मिल जाए तो खा ले पी ले, डोंट हैंकर, मत तरसे। तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, नहीं अपने कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा, परमात्मा सबको खिलाते पिलाते हैं, तुमको भी खिलाएंगे, इतना तो विश्वास होना चाहिए। रक्षिष्यति इति विश्वास हो, वो तेरी रक्षा करेंगे। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्, रक्षिष्यति इति विश्वास हो। कार्पण और जो आत्मा के ऊपर जो कार्पण है, ये जब निर्मल हो जाएंगे भक्ति करते करते भगवान की, जब ये दोष निवृत्त हो जाएंगे तब जाके भगवान की निर्मल भक्ति आपके हृदय में होगी, भगवान आपके सामने, आपके पास होंगे, आपके हृदय में होंगे, आपके सामने होंगे, आपके घर में होंगे, आप बाहर जाओगे तो आपके साथ चलेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे जोक भी करेंगे, मजाक भी करेंगे, आपको हंसाएंगे भी और कभी कभी रुला भी देंगे। उनका यही लीला है, उनकी गोपियों को रुला देते हैं। राधा रानी जी को एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के आवेश में आके कंधे पर रख लिया, राधा रानी को गर्व हो गया कि अरे ये परमेश्वर है, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं, दोनों जहां इनके चरणों में प्रणाम करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके दर्शनों को तरसते हैं और इन्होंने मुझे कंधे पे बैठा रखा है, तो ये बड़े या मैं बड़ी? तो मैं ही बड़ी हुई, इतना विशेष मेरे अंदर गुण है कि स्वयं कृष्ण भी कंधे पे, बस तुरंत उनको नीचे उतारा, गायब हो गए। गायब हो गए तो बहुत रोई है राधे रानी, राधे बहुत रोई, बहुत कुंजन में ढूंढा है, बहुत रोई है, विलाप करा है, आखिर तो राधे को कैसे छोड़ेंगे, प्रकट हुए बहुत, लेकिन बहुत रोला दिया राधे को कि राधे ये अहंकार, ये गर्व, जहां गर्व है वहां मैं नहीं, जहां अहम है वहां मैं नहीं, फिर तो आप ही आप हैं, भगवान नहीं। राधे तुम्हें स्लाइड ली, थोड़ा सा गर्व हो गया था, इसी कारण से मैं अदृश्य हो गया। भगवान तो सरल स्वभाव जिनका होता है उनको ही मिलते हैं, निर्मल हृदय जो होते हैं उनको ही प्राप्त होते हैं, बच्चे के समान भोले जो होते हैं उनको मिलते हैं, ढैया जैसे भगत को मिलते हैं, जिसकी कथा मैंने सुनाई थी पिछले सत्संग में, श्री राम के भक्त भैया। निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोहि छप कपट छल छिद्र न भावा, बड़ा सुंदर लिखा है तुलसीदास जी ने चौपाई के अंदर। भगवान के वाक्य हैं कि निर्मल मन के जन जो होते हैं वही मुझे भाते हैं। निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा, कपट छल छिद्र नहीं, निर्मल सरल। मैया सक्त मनाह पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय, ऐसं संयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, यदि मेरे आश्रम में रह करके और मेरे में मनवाला हो जाएगा, मेरे में आसक्त हो जाएगा
तब तेरे सारे भ्रम गिर जाएंगे, सारे भ्रम के पर्दे गिर जाएंगे, कोई भ्रम बाकी नहीं रहेगा। फिर स्पष्ट दिखाई देगा एज इट इज, जैसा है वैसा दिखाई देगा, अभी नहीं दिखाई देता। मोह के अंदर कैसे दिखाई देगा? अर्जुन तो मोहग्रस्त है, कंप्लीटली अटैच्ड है, तमोगुण में है, अंधकार में है। अंधकार में जो है उनको तो ये उपदेश दिए जा रहे हैं, जो उजाले में है उनको नहीं। उजाले में है वो तो लग गए हैं परमात्मा की हरि भजन में, परमात्मा की सेवा में, परमात्मा के मिलन में साधक साधन रत हैं, साधना कर रहे हैं, भक्ति सेवा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाश्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, वो तो नवदा भक्ति के अधिकारी बन गए हैं, उनकी सांसों में वो गोविंद समा गए हैं, दिन और रात उनकी शरण में वो हैं, उनके ही आश्रम में जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, जाते हैं इधर से उधर, शाम को घर आते हैं उन्हीं के साथ, भगवान उनसे बिछुड़ता नहीं, भगवान से वो अलग होते नहीं, ना भगवान उनको छोड़ता, उनके साथ रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए हम जाना। प्रेम जिनके हृदय में लबालब हो गया है उनके साथ तो भगवान रहते हैं, भगवान बातें करते हैं उनसे, सारे भ्रम गिर जाएंगे। अर्जुन तू मेरे में आसक्त हो, निरासक्त हो संसार से, मयासक्त मनाहा पार्थ, ये भोग विलासों से डिटैच हो। ये मैं और मेरा ही आसक्ति है, यही मोह है, यही अहंकार है कि मैं हूं और ये मेरे हैं, यही आसक्ति है इन मेरों में और मैं मुझसे आ सकती है, मेरे नाम से आ सकती है, मेरी ख्याति से आ सकती है, मेरे पद से आ सकती है, मेरे देश से आ सकती है, मेरे धर्म से आ सकती है, सो काल धर्म, सो काल रिलीजन, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, इनमें आ सकती है? नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये तो पंथों के नाम है, मार्ग के नाम है, जिस मार्ग से उस परमात्मा को पाया जाता है। बाकी हम सभी पूरा विश्व, विश्व है परिवार एक, नाना भांति धारे भेक, विभिन्न भेक धारण किए हुए, विश्व एक है, एक ही पिता की संतान है। तो ये अनासक्ति होनी चाहिए, चाहे हम हिंदू में जन्म लिया है, मुस्लिम में जन्म लिया है, और कहीं जन्म लिया है, लेकिन ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदू हूं, ये पता नहीं कौन है, भगाओ इनको, हिंदू हिंदू इधर आ जाओ, मारो इनको दूसरों को, तो कैसे भक्ति करोगे भगवान की? नहीं, भगवान के गुलदस्ते में अनेक फूल हैं, तभी तो गुलदस्ता है, तभी तो संसार है, इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जूस है, कम्युनिस्ट है, एक गुलदस्ता है भगवान का, लेकिन है तो सब एक, एक पिता की संतान है, एक ही धरती के ऊपर रह रहे हैं, एक ही सूर्य सबको प्रकाश दे रहे हैं, एक ही जल से सब जीवित हैं, एक ही फल सब खाते हैं। ये नहीं कि मुसलमान खरबूजा नहीं खाता और हिंदू खाता है, सब खाते हैं। एक है माता पिता एक है, सब एक के हैं। इस चीज को पहचानो तो कुछ हृदय में कुछ भगवान के प्रति प्रेम भरे,
प्रेम के बिना तो जीवन सूना है, प्रेम के बिना तो भला है ही नहीं। प्रेम कला एक ऐसी कला जिसके बिना नहीं किसी का भला। तो प्रेम नहीं है हृदय में तो ये मनुष्य जीवन, पशुओं में भी प्रेम होता है, पक्षियों में भी प्रेम होता है। मैंने देखा है, मैं पार्कों में जाता हूं यहां तो गिलहरी भी उस खाने को खा रही है, कबूतर भी खा रहा है, चिड़िया भी खा रही है और विभिन्न दूसरे रंग की चिड़िया भी हैं, लेकिन एक दूसरे किसी को भी एक दूसरा हटा नहीं रहा कि तू यहां क्यों आया, क्यों खाता है, भाग यहां से, ये तो कबूतरों का है। गिलहरी में पावर बहुत होता है, वो चाहते सबको एक मिनट भगा दे, लेकिन नहीं भगाती, उसको आनंद आता है, देखती है प्रेम भरी नजरों से कि खाने सब खा रहे हैं, हम लोग भी, कबूतर भी खा रहे हैं, चिड़िया भी खा रही है, ये रंगीन चिड़िया भी खा रही है, काली चिड़िया भी, मैं भी खा रही हूं। बड़ी एकता देखी मैंने, एक ट्यून, एक लयबद्धता, ये ब्रह्मांड की एक लयबद्धता होती है तभी इसमें आनंद के फूल खिलते हैं। जब लयबद्धता टूट जाती है तब आनंद निरानंद में परिणित हो जाता है, फिर बम के गोले चलते हैं, बंदूकें चलती हैं, तलवारें चलती हैं, खून बहता है, भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, धरती कांपती है, ज्वालामुखी फटती है, मनुष्य क्षत विक्षत हो जाता है, अंग हीन हो जाता है, आंखें फोड़ लेता है अपनी, अंधा हो जाता है, कुछ भी खाता है, सड़ जाता है दिमाग बुद्धि। दिमाग सड़ जाते तभी तो रात दिन जो है नशा करते हैं, ड्रग इस ड्रग खा खा के पड़े रहते हैं, न कपड़ों का होश, न नहाने का होश, न जीवन का होश। शराब की जिसको ज्यादा लत लग जाए उसकी हालत देखो, सड़ रहे हैं, गड़ रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, लेकिन भीख मांग मांग के भी दारू पी रहे हैं। तो मनुष्य के दिमाग सड़ जाते हैं, लयबद्धता टूट जाती है। नहीं, एक ट्यून में सबको रहना चाहिए, एक ट्यून बद्धता, एक लयबद्धता ये ब्रह्मांड में होनी चाहिए, तब जाके आपका प्लानेट, आपका देश, आपका घर, आप स्वयं निडर होते हैं, निर्भय होते हैं। फिर आपको भय नहीं सताता, आपके टेरर नहीं फैलता धरती पर। प्रेम फैलेगा तो टेरर क्यों फैलेगा, प्रेम नहीं फैलता तो टेरर फैलता है, कुछ तो फैलेगा, फैलाव नाम संसार का है, कुछ तो फैलता है। प्रकाश नहीं फैलेगा तो अंधेरा फैलेगा, तो अंधेरा फैलाओगे तो अंधेरा ही फैलेगा, अंधेरा की याचना करोगे अंधेरा ही फैलेगा, निरानंद की याचना करोगे तो निरानंद ही फैलेगा, आनंद कैसे फैलेगा, आनंद के फूल कैसे निकलेंगे जब आपने बीज निरानंद के बोए होंगे। बोए थे बीज गम के, अब फसलें कट रही हैं, भूकंप और सुनामियां नगरों में बट रही हैं, भूकंप और सुनामियां नगरों में बट रही हैं। देखो जरा उतर कर गहराइयों में दिल की, वो शमा ही बुझ चुकी है जो कि रोशनी थी महफिल की, वो शमा ही बुझ चुकी है जो कि रोशनी थी महफिल की। कि दुश्मन बिठा के दिल में 100 बरस जी गए, दुश्मन बिठा के दिल में 100 बरस जी गए, अमृत पड़ा था सामने पर जहर पी गए, अमृत पड़ा था सामने पर। ये अमृत प्रेम है, प्रेम के प्याले पियोगे तो परमात्मा के हो जाओगे,
परमानंद में प्रवेश कर जाओगे। दुश्मनी के प्याले पियोगे, जहर पियोगे तो मर जाओगे, बार बार मर जाओगे, कोई नहीं पूछेगा। मरे की लाश सड़ जाती है, मरे की लाश में बदबू आती है। नहीं, ताजा रहो, चैतन्य रहो, प्रेम में रहो, फूल की तरह शरीर को छोड़ दो जो पुराना हो जाए, और आगे चले जाओ यात्रा पर ऊंचे लोकों में या प्रभु के धाम में या ऊंचे परिवारों में या योगी पुरुषों के घरों में, भक्तों के घरों में जाके जन्म लो, श्रेष्ठ घरों में जाके जन्म लो, श्रेष्ठ पृथ्वियों पर जन्म लो, भगवान के धाम में जन्म लो, भगवान के पास जाओ। ये है हमारा डेस्टिनी, हमारी डेस्टिनी, हमारा परम लक्ष्य जीवन का, मनुष्य जीवन का। जन्म सुंदर दिया है प्रभु ने, इतना सुंदर मनुष्य का जीवन दिया है, सुंदर नेत्र दिए, सूझबूझ दिए, मस्तिष्क दिया है, चांद तारे सितारे धरती दिए है, बरसात होती है, सुंदर ग्रेन दिया है, ब्रेन दिया है, ट्रेन दिए, एरोप्लेन दिया है, क्या नहीं दिया भगवान ने। इतना पा जाने के बाद भी प्रेम उदय नहीं हुआ उसके प्रति जिसने सब कुछ बख्शा, तो फिर मूर्छित नहीं है समाज तो क्या है। धर्म के नाम के ऊपर हिंसाएं, जितनी अधिक हिंसाएं धरती के ऊपर इतिहास में धर्म के नाम पर हुई है, और किसी क्षेत्र में नहीं हुई। हिंदू मुस्लिम कट मरेगा, क्रिश्चियन मुस्लिम कट मरेगा, ये सब क्या है। ये धर्म के जत्थे, ये धर्म के ग्रुप खड़े करके ये लड़ाई के साधन नहीं। भगवान कहते हैं मैया सक्त मना पार्थ योगम इंजन मदाश्रय, मेरे आश्रम में रह करके योग भक्ति मिलन का साधन कर, मुझसे मिलन का साधन, मेरे आश्रम में रह करके, मेरे आश्रम से बाहर मत जा, मेरी छत्र छाया में रह करके मेरा नाम ले, साधन कर, योग कर। गोविंद हरि गोपाल हरि, हरे माधव मदन मुरार हरि, मेरा नाम उच्चारण कर, मेरे नाम का जप कर, सुंदर भोजन बना मेरे लिए, मुझे अर्पण कर, फिर खा, मस्ती ले, ना दो प्रेम से, खेती कर, फैक्ट्री चला, दुकान चला, ऑफिस चला, राज सत्ता संभाल, वाट एवर यू वांट टू डू, बट डू विद मी, मेरे आश्रय में कर, जो कुछ करना है मेरे आश्रय में रहकर करो, मेरे से परे मत जाओ। तुम ये धनुष बाण को त्याग छोड़ करके युद्ध के मैदान में मोटे मोटे आंसू बहा रहे हो, तुम मुझे भूल जा रहे हो, इस मोह के कारण तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो मैं कौन हूं। लेकिन मैं भी बताऊंगा कि मैं कौन हूं, भगवान श्री कृष्ण बतलाएंगे अर्जुन को, विराट स्वरूप दिखलाएंगे अपना। अर्जुन कांप उठेगा, कोई भी कांप उठेगा। एक एक व्यक्ति चार भुजा लगा के भी दिखा दे तो आदमी भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा, दो भुजाओं वाले से भयभीत हैं। कल मैं मंदिर का बड़ा रेफ्रिजरेटर है उसमें से अंदर से कोई वस्तु निकाल के बाहर निकला, कोई नहीं था वहां पर, शांत, मैं अपनी शांति में था। लेकिन एक 12-13 वर्ष का लड़का बच्चा गगन, वो इतना साइड से छुपके से आया और रेफ्रिजरेटर के बगल में आके छुप गया, और जैसे मैं बाहर निकला एकदम से हॉलोवीन तो चल ही रहा है, उसने ऐसी खतरनाक आवाज करी, मैं मेरे रुएं खड़े हुए होगी कौन आ गया, तो डर जाता है आदमी, भयभीत हो जाता है। नहीं, प्रभु से डरो, प्रभु से डरना सर्वश्रेष्ठ है।
बुरे कर्मों से डरो, प्रभु से भी मत डरो, बुरे कर्मों से डरो। जो बुरे कर्मों से डरेगा वो किसी से नहीं डरेगा। लेकिन होलो इनका ये जो आवाज निकाली बिखराल गगन ने, मैं थोड़ा सा सिहर गया। मुझे मैंने बोला तूने सचमुच ही मुझे डरा दिया। उस लड़के ने बच्चे ने बोला कि आप डर गए स्वामी जी? मैं बोला मैं सचमुच डर गया। मैं बड़ी शांति से यहां पर अपना कुछ मेडिटेशन कर रहा था, कुछ कार्य में रत था और एकदम से एनीवे। मैया सक्त मनाहा पार्थ योगम युंजन मदाश्रय हो। शरीर तो एक दिन डरेगा क्या, ये तो गिर जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा नहीं डरनी चाहिए, वो स्थिर रहनी चाहिए। शरीर तो शरीर की पल से ही आगे पीछे हो जाती है, धड़कने बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी डीपेस्ट स्थिरता है वो कभी नहीं डरनी चाहिए। और वो तभी नहीं डरेगी तब आप भगवान के बन के रहेंगे। मदाश्रय योगम युंजन मदाश्रय, जो भी कुछ करता है अर्जुन, ये योग यानी मिलन का साधन, परमात्मा से मिलन का साधन, और कुछ के लिए नहीं बोल रहे भगवान। भगवान से मिलन का जो साधन है भक्ति, ये मेरे आश्रय में कर, मुझे सामने रख के कर। तब तो देखो लोग मूर्ति रख लेते हैं, भगवान का सुंदर फोटो रख लेते हैं, गुरु जी को सामने रख लेते हैं, गुरु जी के सामने बैठ जाते हैं, संतों के सामने बैठ जाते हैं प्यासे की तरह कि सुनाओ कुछ महाराज, आ गए हम लोग। आश्रय लेते हैं, संतों का आश्रय भी परमात्मा का ही आश्रय है, क्योंकि संत परमात्मा के आश्रय को दिखलाएंगे बतलाएंगे। तो जो भी कुछ ये योग मुझसे, योग यानी मिलन भगवान से, वो जो भी योग पद्धति योग साधना करता है मेरे आश्रय में रहकर कर अर्जुन। मैं आसक्त मना पार्थ, मेरे में आसक्त कर तेरे मन को। असंशयम समग्र माम यथा ज्ञाशसि तच्छृणु, तो तेरे सारे भ्रम गिर जाएंगे। जैसे मेरी शरण में आएगा तेरा मन मेरे में आसक्त हो जाएगा, तेरे तमाम भ्रम गिर जाएंगे, स्पष्ट हो जाएगा हर बात में, हर वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। असंशयम समग्र माम यथा ज्ञाश, और समग्र रूप से मुझे जान जाएगा। यथा ज्ञाशसि तच्छृणु, समग्र रूप से मुझे पहचान जाएगा। वो अब मैं तुझे सुनाता हूं कि कैसे किस तरह से मुझे जान जाएगा। तो भगवान अभी आगे अर्जुन को उपदेश करेंगे कि ये मन को मेरे में अटैच कर और उस बात को सुन, जिस बात को सुनने से तू मुझे पूरी तरह से जान जाएगा, तेरे सारे भ्रम मिट जाएंगे और मेरे आश्रय में रह करके तू ये मुझसे मिलने का योग साधना जो भी कुछ करेगा मेरे आश्रय में करेगा और तेरा मन कंप्लीटली संसार से डिटैच होकर के मेरे में अटैच हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उस बात को सुन। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाशसि तच्छृणु। भगवान कह रहे हैं ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदं वक्षाम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदं वक्षाम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and nominous,
This being known, nothing further shall remain for you to know. भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अब मैं उस ज्ञान को कहूंगा विज्ञान के सहित कहूंगा। एक व्यक्ति तो ज्ञान बताता है कि उसने सुन लिया है, पढ़ लिया है, कलेक्टिव नॉलेज, डिग्री ले ली है बड़ी बड़ी, पीएचडी की, जैसे मान लो कि एक डॉक्टर ने एमबीबीएस का सर्टिफिकेट ले लिया है, तो ये डॉक्टर सबको इस बात को बोलता है कि कौन से चैप्टर में क्या है, कौन सी बुक में क्या है, कैंसर का इलाज कैसे होता है, टीबी का इलाज कैसे होता है, लेकिन प्रैक्टिकल अभी कुछ किया नहीं, जिसको प्रैक्टिस कहते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिशनर नहीं बना अभी। डॉक्टरियन तो कर ली, एमबीबीएस कर लिया, सर्टिफिकेट भी ले लिया, लेकिन अभी अनुभव नहीं किया, जो किताबों में पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल अभी नहीं कर पाया है। प्रैक्टिकल तो ये अस्पताल में जाने पर और मरीजों को अटेंड करेंगे तभी हो सकेगा। जो प्रैक्टिकल हो जाएगी बात, उसको अनुभव कहते हैं, उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्षा मैं शेषता। तो मैं यहां पर मैं उस ज्ञान को कहूंगा जो जिसका मुझे अनुभव है, जिसको मैं जानता हूं। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम, हे अर्जुन तुझसे मैं उस ज्ञान को कहूंगा जिसका मैंने अनुभव किया है, जो विज्ञान के सहित है। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम वक्षाम अशेषता, अशेषता ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदम वक्षाम अशेषता, मैं यहीं पर उस ज्ञान को कहूंगा जो अनुभव गम्य है, जिसको मैंने जाना है, जो सह विज्ञान है। अशेषता पूरी तरह से, कोई बात शेष नहीं छोड़ूंगा, पूर्ण रूप से कहूंगा। यज ज्ञात्वा ने भूयो अन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जान करके बाकी जानने को कुछ नहीं रह जाएगा। तच्छृणु, तो सुनने पर ध्यान दीजिए, श्रवण क्रिया बहुत बड़ी है, इसलिए नौ विधि भगवान को रिझाने की जो बतलाई है भक्त प्रहलाद ने, उनमें सबसे पहले श्रवण है। सुनिए, तुलसीदास जी महाराज ने इनको लिखा है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। लेकिन ये तो चौपाइयों को शब्दों में घटित करने के लिए, लेकिन प्रथम भक्ति संतन का संग होने से ही सुनना हो जाता है। संग का मतलब ही सुनना ही है, पहली लाइन में ये श्रवण में आ जाता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। इन नौ विधि भक्ति जो बतलाई है, इसमें श्रवण शब्द पहले है। भगवान यह भी कह रहे तच्छृणु, उस ज्ञान को विज्ञान सहित जो पूर्ण रूप से तुझे कहने जा रहा हूं उसे सुन, जिसे सुनने के बाद में और कुछ सुनना बाकी नहीं रह जाएगा, जिसे जानने के बाद में और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाएगा। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्।